हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम में कि अभी हम लोग जैसे फार्म पे हमारे हार्वेस्टिंग चलते हैं तो वीडियो प्रॉपर हम लोग शूट नहीं कर पाते हैं। तो क्या है कि आज मैं भी नहीं थे फार्म पे, प्रिंस भाई भी नहीं थे फार्म पे, बट हमने बोला हुआ था कि जब भी जैसे कि मछलियाँ सेल होंगे, जो है जब हार्वेस्टिंग आप लोग कीजिएगा तो उसकी एक वीडियो हम लोग को निकाल दीजिए, ताकि अपने व्यूअर्स जो है, जो भाई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को अपनी तरफ से जो वीडियो होगा हमको दिखा देंगे आपको। तो ऐसे ही है, देखिए ये फार्म है अपना, आप लोग देख रहे होंगे, इसमें तिलापिया है, तिलापिया की हार्वेस्टिंग इसमें चल रही है। तो ऐसे ही लड़के इसमें एंट्री किए हुए हैं, उसके बाद इसमें से क्या करते हैं हार्वेस्टिंग करके, और इसकी अपनी जो भी अपना जो है इसमें से निकाल के एक टब में, उसके बाद जो हमारा एक बगल में हमने एक 6 डायमीटर का एक हमने टैंक बनाया हुआ है, उस टैंक में ये सारी फिशेस वहाँ पे जाकर स्टॉक कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि 2-3 बजे के आसपास में जो होते हैं ना रिटेल वाले जो व्यापारी होते हैं, वो लोग आते हैं, तो वो वहाँ से फिर मछली अपनी उठा के डेली बेसिस पे जितना ज़रूरत होती है तो वहाँ से लेके जाते हैं। ऑलमोस्ट 1 क्विंटल या 1.25 क्विंटल अपना डेली बेसिस पे वहाँ से निकल जाता है माल। ठीक है, तो ये अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, लड़के जो हैं ये लोग घुसे हुए हैं इसमें, और बाकी जो धीरे धीरे नेटिंग करके जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये लोग यहाँ से हार्वेस्टिंग करके अपना उसमें स्टॉक करके रख देते हैं। तो ये वीडियो था मेरा पर्पस था दोस्तों की, क्योंकि बिक रही थी तो हम वीडियो नहीं शूट कर पा रहे थे, तो इनवेन मैं भी नहीं था, मतलब टाइम नहीं बन पाता किस टाइम पे नेटिंग की है ये आइडिया नहीं होता है। प्रिंस भाई भी थोड़ा सा व्यस्त ज़्यादा रहते हैं तो वीडियो नहीं शूट हो पाता है, तो कल बोल दिया गया था, तो इसलिए आज वीडियो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब फिशेस निकाली जा रही थी तो उसकी वीडियो वहाँ से शूट करके हम लोग के पास आई है। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखिए पूरा लास्ट तक, जो ऑलमोस्ट 10-11 मिनट की वीडियो होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर निकाला जा रहा है और किस प्रकार से यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करके दूसरे टैंक में वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जो साइज है आपको दिख रहा होगा, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और इसमें तिलापिया ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास होने वाला है, तो ब्रीडिंग वगैरह भी कर चुकी हैं, तो उनके सीड भी इसमें ऑलमोस्ट हैं, इसमें छोटे छोटे इसमें भी अभी तिलापिया हैं इसमें, दैट कोई नहीं, बड़ी साइज़ का हम लोग निकाल कर सेल कर देना, छोटी वाली जो बची रहेंगी हम लोग विंटर में उसको सेल करेंगे। विंटर में क्या होता है कि फिशेस की थोड़ी सी वहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा कम हो जाती हैं, तो जो भी अपने पास स्टॉक रहता है ऑलमोस्ट वो निकल जाता है, साइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग देखिए और फिर बाकी देखते हैं लाइव, और देखते हैं कि जैसे ही फार्म पे अभी इसके बाद समय बनता है तो फिर हम लोग फार्म से आके लाइव वीडियो शूट करेंगे वहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग वीडियो जो है हमारा इसको एंजॉय कीजिए, और वीडियो स्क्रीन पे हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, बायोफ्लॉक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी अगर आपको होता है रिलेटेड ट्रेनिंग या कुछ भी आपको एनी सपोर्ट चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। बाकी हमारा ट्रेनिंग जो होता है आपके यूपी गोरखपुर में, महाराष्ट्र में, अपना 2 जगह हम लोग कराते हैं, तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके जो भी क्वेरी रहती है उस पे आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इवन कहीं से भी हो आप, जो किसी भी प्रकार की आपको बायोफ्लॉक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बेझिझक आप हमारे इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस नंबर से आपको पूरी की पूरी जो आपको हेल्प रहेगी वो आपको पूरा सपोर्ट हम लोग करेंगे जहाँ तक हमारे बस में रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ठीक है, बस वीडियो को देखें, बाकी फिर जल्दी मुलाकात होती है नए फार्म पे अपने, और भी कोशिश करेंगे कि जो हमारे पुराने फार्म से वहाँ पे आपको जाके वीडियो शूट करें। पुणे का गए थे, पुणे की भी वीडियो हमारे पास है, वो भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, और बाकी देखते हैं पंगासिया से हमारी 15 नवंबर से हम लोग उसको हार्वेस्ट करेंगे, तो उसकी लाइव हार्वेस्टिंग फिर साथ में रहेंगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर लव और सपोर्ट, और ढेर सारा प्यार आप लोग बनाए रखिए, और आप लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इवन हमने इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा किया था, हमने बायोफ्लॉक जब इनिशिएट हुआ तो उसमें हम लोगों ने इवन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने किया, बड़े लेवल पर एक हमारी एक मुहिम थी जो हम इसको लेके आगे तक आए, और इसके अलावा अभी हम लोग और भी अपना सेटअप बड़ा करने जा रहे हैं, तो अब देखिए कितना बड़ा और हम लोग कर सकते हैं, देखते हैं इसको। बट ये है कि इनिशिएट हम लोग जिन्हें जितने बड़े लेवल के लिए किया था ठीक रहा हम लोगों का, अभी तक का जो प्रैक्टिकल हम लोग का एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा, और उम्मीद करता हूँ कि आगे जब हम लोग अपना सेटअप और बड़ा करने आ रहे हैं तो उसमें भी हम लोगों का जो अपना एक्सपीरियंस रहे वो हम लोग इसमें यूटिलाइज करें और अच्छे लेवल पर इसको लेते हैं। जो भाई हमसे जुड़े हुए हैं हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ साथ आगे चलें। ठीक है, बाकी जो गलत बोलते हैं उनकी बातों को ध्यान नहीं देने का, उनका जो लोग बोलना है उनको तो बोलते ही रहेंगे, अपना काम करके आगे निकल जाने सबसे बड़ा फंडा ही होता है लाइफ का। ठीक है, एंजॉय करिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय कीजिए, बाकी जल्दी मुलाकात होती है आप लोगों से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। धूप
इंसान स्वीट हो जाता वा। मान लो पुनः पानी में गिर जाता। ये रहल ना बात। हाँ ये देखिए वो 7 किलो की थी। ग्रीन बड़की वाह जो कुछ अलग ना हो अभी जानत या बाप लोग बाटे हमारे कुछ लो उसको फायदा ना या मौत आ गई लो अब जा रहा हूँ। हाँ हाँ लॉन लगा दिए। यार देखिए यार रुक रुक। हाँ हाँ चला पिछवाड़ा दिखाते हो। रुक जाओ जब कब तब। दिन पर दिन दुबराइल जाते बाड़ू सुखाइल जाते।